हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर अपनी मार्जिनल कॉस्टिंग को कंटिन्यू करते हुए अब मैं अपनी थर्ड वीडियो को थोड़ा प्रमोट करने वाला हूँ। थर्ड वीडियो हम बना रहे हैं रिगार्डिंग पीवी रेशियोस। तो मैंने स्टार्ट किया था फार्मूलेज, वी हैव डिस्कस्ड, हमने फार्मूले को डिस्कस किया, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो के क्या फार्मूलेज होते हैं जो मार्जिनल कॉस्टिंग का बड़ा बेस है। तो यहाँ पे हम लेते हैं पीवी रेशियोस, अगेन थोड़ा मैं उसको कंटिन्यू कर रहा हूँ कि हाउ टू कैलकुलेट पीवी रेशियोस। तो जैसे मैंने लास्ट अपने टू वीडियोस में मार्जिनल कॉस्टिंग को हमने थोड़ा स्टार्ट किया, उसके बाद उसके ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में हमने डिस्कशन किया, देन वी केम टू पीवी रेशियो। पीवी रेशियोस के फार्मूले लास्ट वीडियो में मैंने थोड़ा डिस्कस किए। अब मैं फिर अगेन कंटिन्यू विद द फार्मूलाज ऑफ पीवी रेशियो, बिकॉज पीवी रेशियो इज द बेसिक ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। पीवी रेशियो की हेल्प से हम वेरियस कैलकुलेशंस कर सकते हैं जो मैं आगे प्रूव करूंगा विद इलस्ट्रेशन। अगर मुझे पीवी रेशियो की नॉलेज होगी, आई कैन कैलकुलेट वेरियस आंसर्स एज रिक्वायर्ड बाय एग्जामिनर। तो जैसे हमें रिक्वायर्ड सेल होगी, अगर मुझे कैलकुलेट करना, आई कैन कैलकुलेट विद द पीवी रेशियो। ब्रेक इवन पॉइंट आई कैन कैलकुलेट विद द पीवी रेशियो। मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो हम आगे डिस्कशन करने वाले हैं, तो उसके लिए भी हमें पीवी रेशियो की रिक्वायरमेंट होती है। अब मैं अगेन एक बार देखना चाहता हूँ कि पीवी रेशियो क्या है, थोड़ा डिस्कशन में हम आ रहे हैं। पीवी रेशियो का सिंपल मीनिंग है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल इनटू 100। अब ये कंट्रीब्यूशन आता कहाँ से है? तो हमने कहा था एज सेल्स आर इंक्रीजिंग मोर एंड वीसी इज कंट्रोल, वीसी मींस वेरिएबल कॉस्ट को हमने कंट्रोल किया और अपने सेल रेवेन्यू को बढ़ाया, इनकम को बढ़ाया, किसी भी फर्म ने अपनी सेल रेवेन्यू को जनरेट किया एंड अपनी वेरिएबल कॉस्ट को कंट्रोल किया, तो वो हमें देता है मोर कंट्रीब्यूशन, उसको हम कहते हैं कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन को जब हम सेल के बेस में रख के मेजरमेंट करते हैं मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये हमारा बनता है परसेंटेज ऑफ पीवी रेशियो। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की अगर हमें प्रॉफिटेबिलिटी देखनी है या उसकी सक्सेस देखनी है रिगार्डिंग प्रॉफिटेबिलिटी, हायर द पीवी रेशियो बेटर इज द ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम टू ऑर्गेनाइजेशन में कंपैरिजन करें, जिसकी पीवी रेशियो हायर होगी, दैट ऑर्गेनाइजेशन विल बी नोन एज बेटर, उसको हम बेटर कहेंगे, वर्किंग प्रोग्रेसली, बहुत अच्छा काम कर रही है क्योंकि उसकी पीवी रेशियो बढ़ रही है एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। तो इसका मतलब पीवी रेशियो हमारा साइन होता है प्रॉफिटेबिलिटी के लिए, और जितना कंट्रीब्यूशन हमारा इंक्रीज होगा उतना पीवी रेशियो का आंसर भी हमारा पॉजिटिव होगा, दैट विल बी फेवरेबल। तो यहाँ पे अगेन मैं एक फार्मूला ले रहा हूँ, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल। जब हम कंट्रीब्यूशन को सेल के रिगार्डिंगली हम चेक करते हैं, सेल को बेस में रख के उसका कंपैरिजन करते हैं और मल्टीप्लाइड बाय 100 हो जाता है, दैट विल बी परसेंटेज आंसर ऑफ प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, वो हमारा प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का परसेंटेज आंसर होता है। और अगर हमें ये डेटा ना मिले तो हम ये भी ले लेते हैं फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ये भी पीवी रेशियो का फार्मूला हो जाता है, डिवाइडेड बाय सेल, यानी फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट को हम फिर क्या कह रहे हैं, दैट इज द सेकंड नेम ऑफ कंट्रीब्यूशन, यानी सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ये भी कंट्रीब्यूशन का नेम है। अगर हम कहते हैं फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, वो भी कंट्रीब्यूशन का ही नेम है, डिवाइडेड बाय सेल, उसको भी हम कंट्रीब्यूशन कहते हैं, डिवाइडेड बाय सेल इनटू 100, ये भी हमें पीवी रेशियो का आंसर ही देगा। अगर हम करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट माइनस लॉस डिवाइडेड बाय सेल, अगर ऑर्गेनाइजेशन में इतना ही डाटा गिवन है कि हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट भी है और लॉस भी है ड्यूरिंग द ईयर, लॉस अर्नड बाय द ऑर्गेनाइजेशन और सेल भी हमें गिवन है, तो हम ये फार्मूला भी लगा सकते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट माइनस लॉस डिवाइडेड बाय सेल इनटू 100, वो भी आंसर हमें पीवी रेशियो का मिलेगा, जिसको हम कहते हैं प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। एक हमारा फार्मूला ये भी होता है जो आगे जाके थोड़ा मैं अपनी इलस्ट्रेशन में प्रूव करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट सम आते हैं, वो होता है चेंज इन प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल इनटू 100। अगर टू टाइम्स टू पीरियड्स मुझे गिवन है, टू इंटरवल्स मुझे गिवन है, तो अगर मेरी सेल इंक्रीज भी हो रही है और वहां पे प्रॉफिट का भी इंक्रीज गिवन है, यानी वी हैव टू कैलकुलेट द चेंज इन प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना इंक्रीज हुआ उसको हमें न्यूमरेटर बनाना है और सेल हमारी कितनी इंक्रीज हुई इसको हमें डिनोमिनेटर बनाना है,
मल्टीप्लाई करें तो ये भी हमारा आंसर प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का होगा एज रिक्वायर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे हमें डेटा गिवन होगा, जैसे हमें इंफॉर्मेशन गिवन होगी, वी कैन कैलकुलेट पीवी रेशियोज। और पीवी रेशियो का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहेगा मार्जिनल कॉस्टिंग में। तो मैंने जैसे पहले कहा था, अगर मुझे ब्रेक इवन सेल डायरेक्ट कैलकुलेट करनी है, दैट कैन बी डायरेक्ट कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ पीवी रेशियो। एंड अगर मुझे मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जो हम आगे डिस्कस करेंगे, वो भी डायरेक्ट कैलकुलेट हो जाता है। अगर मुझे रिक्वायर्ड सेल कैलकुलेट करनी, कितनी फर्म को सेल चाहिए, अगर उसको इतना प्रॉफिट मिले तो कितनी उनको रिक्वायर्ड सेल करनी होगी, अगर इतना प्रॉफिट उनका रिक्वायर्ड है, तो इसका मतलब वो भी हमें हेल्प करेगा पीवी रेशियो। तो सबसे पहले हम सम में पीवी रेशियो की कैलकुलेशन पहले ही तैयार कर लेते हैं। और पीवी रेशियो के ये अल्टरनेटिव फार्मूलाज हैं, जैसे इंफॉर्मेशन होगी आई हैव टू कैलकुलेट द पीवी रेशियो एंड आई शैल बी यूजिंग इन द सम, उसको हम सम में यूज करेंगे फॉर गेटिंग आंसर्स। जो मुझे आंसर चाहिए वो हमारी कैलकुलेशन होगी। अब मैंने स्मॉल इलस्ट्रेशन बनाई है, मैंने लिया है सेल गिवन है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 10 लाख, वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास गिवन है 4 लाख, और फिक्स्ड कॉस्ट हमारे पास गिवन है 3 लाख, और प्रॉफिट हमारे पास गिवन है 3 लाख। इनके बेस में हमें पीवी रेशियो कैलकुलेट करनी है। तो इसके दो फार्मूले बड़े इजीली हो सकते हैं, एक तो हम पोर्शन ले रहे हैं एस माइनस वी का, और एक हम ले रहे हैं एफ प्लस पी का। बोथ आंसर्स शैल बी सेम, दोनों का आंसर हमारी प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो में दैट विल बी वेरी सेम। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इज इक्वल टू, सबसे पहले मैंने लिया सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट हमें देता है कंट्रीब्यूशन, यानी कंट्रीब्यूशन के कई नेम हम ले रहे हैं। पहला लेते हैं सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, और सेकेंड नेम ऑफ कंट्रीब्यूशन कैन बी फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, क्योंकि ये हमें इंफॉर्मेशन है, तो ये इंफॉर्मेशन की हमें आंसर कैलकुलेट करनी है। तो ये बनेगा सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल इनटू 100। अगर हम ये 100 से करते हैं तो हमारी रेशियो का आंसर बनेगा 10 लाख माइनस 4 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। अगर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर मिलेगा 60% पीवी रेशियो। तो ये हमने एक आंसर कैलकुलेट किया। उसके बाद हम सेकंड देखना चाहते हैं, सेकंड भी बनता है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल इनटू 100। तो यहाँ पे हमने देखा 3 लाख हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है और 3 लाख ही हमारा प्रॉफिट है। अगर हम दोनों को ऐड करें और डिवाइडेड बाय सेल हमें कितनी गिवन है, दैट इज गिवन 10 लाख, ये हमारी इलस्ट्रेशन है, और मल्टीप्लाइड बाय 100। अगर हम 100 से करें तो ये हमारा 60% ही होगा। जैसे इंफॉर्मेशन है, वी कैन गो विद द इंफॉर्मेशन एंड कैलकुलेट द रिक्वायर्ड आंसर्स। हम आंसर की हम कैलकुलेशन कर सकते हैं भी फॉर्म को क्या रिक्वायरमेंट है, कितनी उनकी पीवी रेशियो प्रेजेंटली दे आर कंटिन्यूइंग विद द पीवी रेशियो। और जितनी पीवी रेशियो हमारी इंक्रीज होती है ऑर्गेनाइजेशन में, इट इज द बेटर सिम्टम, ये हमारी डेवलपमेंट का सिम्टम होता है कि हम डेवलप कर रहे हैं एंड वी आर बेटर गोइंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब मैं देखना चाहता हूं कि यूजेस ऑफ पीवी रेशियो इन कैलकुलेशन ऑफ ब्रेक इवन सेल। अब मैंने एक पॉइंट बनाया कि यूजेस ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट। अब ब्रेक इवन पॉइंट को हमने लास्ट वीडियो में लिया था, जिसको कहते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे हमारा ना प्रॉफिट हो रहा है ना हमारे पास कोई लॉस है, हम ब्रेक इवन पॉइंट में चल रहे हैं। अगर मुझे ब्रेक इवन पॉइंट की कैलकुलेशन करनी हो और उसका पीवी रेशियो में क्या रोल रहेगा, पीवी रेशियो का उसका क्या कंट्रीब्यूशन होगा, तो हम ये देखना चाहते हैं। अगर मुझे डायरेक्टली सेल कैलकुलेट करनी हो तो इसका बड़ा सिंपल फार्मूला है, फिक्स्ड कॉस्ट हमें जैसे हमारी इलस्ट्रेशन में गिवन है, मैंने ली है 3 लाख, तो मैंने 3 लाख ऊपर रखा डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, जो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं वो है हमारा 60%। तो मैंने किया 3 लाख डिवाइडेड बाय 60 into 100। अगर हम ये करते हैं, यानी फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, यानी 60 into 100, अगर हम ये करते हैं तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट जिसको हम सेल कहते हैं, दैट विल बी 5 लाख रुपीज।
तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया, यानी अगर ऑर्गेनाइजेशन को अगर ब्रेक इवन सेल करनी हो जहां पे उसको ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो तो कितनी वो सेल करें, इसका आंसर होगा दे हैव टू मेक सेल ऑफ 5 लाख टू रिमेन इन ब्रेक इवन। अगर उनको ब्रेक इवन में रहना है तो उनको 5 लाख की सेल करनी पड़ेगी। तो ये बड़ा सिंपल फार्मूला है जो हमारा पीवी रेशियो हमें हेल्प करती है। तो कई सम में चाहे हमें एग्जामिनर ने कहा भी नहीं होता कि आप पीवी रेशियो कैलकुलेट करो, हमारा पहला स्ट्रेस होता है कि वी हैव टू कैलकुलेट पीवी रेशियो, देन गो फर्दर स्टेजेस। जो भी आगे स्टेज वो कह रहा है वो हम पहले पीवी रेशियो की कैलकुलेशन करेंगे, देन वी शैल प्रोसीड फर्दर। हमें ऑटोमेटिकली उसके बाद आगे जाना है ताकि मुझे रिमेनिंग आंसर जो है दैट विल बी कमिंग डायरेक्टली इनटू माय अकाउंट, तो मेरे पास आंसर मिलते रहे। तो ब्रेक इवन सेल का हमारा आंसर होगा 5 लाख। तो इसका मतलब है पीवी रेशियो हमें हेल्प करती है इन डायरेक्ट कैलकुलेशन ऑफ ब्रेक इवन सेल। अब मैं आ रहा हूं इसकी थर्ड इलस्ट्रेशन में, ये मैंने सेकंड जो बनाया था थर्ड इसका पार्ट होगा। अब हम कहते हैं यूजेस ऑफ पीवी रेशियो इन कैलकुलेशन ऑफ रिक्वायर्ड सेल। अब रिक्वायर्ड सेल में इनका क्या कंट्रीब्यूशन होगा हमारी पीवी रेशियो का। अब पीवी रेशियो आई हैव कैलकुलेटेड 60%, वो हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया, उसी को हम पुट करेंगे। अब इसका फार्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस रिक्वायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। अगर हम ये लगाते हैं तो मुझे ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायर्ड सेल आ जाएगी। अगर उनको इतना रिक्वायर्ड प्रॉफिट चाहिए तो उनको रिक्वायर्ड सेल क्या करनी होगी, ये हमारा आंसर होगा। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कितनी सेल करनी होगी अगर हमें इतना प्रॉफिट चाहिए। अब मेरे एग्जांपल में है कंपनी वांट्स टू अर्न 3 लाख रुपीज ऑफ प्रॉफिट। अब 3 लाख रुपए का हम प्रॉफिट लेना चाहते हैं और फिक्स्ड कॉस्ट कितना डाटा हमें गिवन है 3 लाख, तो हमने लिया फिक्स्ड कॉस्ट इज 3 लाख प्लस रिक्वायर्ड प्रॉफिट इज 3 लाख। अब डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, अब पीवी रेशियो का आंसर हमने लिया है 60% इन द इंफॉर्मेशन, तो मैंने किया 3 लाख प्लस 3 लाख डिवाइडेड बाय 60 × 100। अगर हम ये करते हैं तो हमारा आंसर बनेगा 10 लाख रुपीज, इट मींस दैट विल बी आवर रिक्वायर्ड सेल। तो अगर पीवी रेशियो हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो मुझे रिक्वायर्ड सेल भी पता लगेगा और रिक्वायर्ड अपना टारगेट भी होगा, कितना हमें प्रॉफिट चाहिए तो मुझे कितनी रिक्वायर्ड सेल करनी होगी। तो यहाँ पे हमारी रिक्वायर्ड सेल बनती है 10 लाख। अगर हमें ब्रेक इवन चाहिए तो मुझे सेल चाहिए थी 5 लाख। अगर हमें 3 लाख मोर प्रॉफिट चाहिए तो मैंने 3 + 3 डिवाइडेड बाय 60% किया, तो हमें चाहिए 10 लाख रुपीज की रिक्वायर्ड सेल। तो इस तरह हमारा एक कॉस्ट अकाउंटेंट जो है दैट पर्सन कैन नो द पोजीशन ऑफ कंपनी, यानी कंपनी की पोजीशन के बारे में कंट्रोलिंग भी हो जाती है। वेरिएबल कॉस्ट को भी हम यहाँ पे कंट्रोल करते हैं विद द हेल्प ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग, और हमें रिक्वायर्ड सेल की भी कैलकुलेशन होती है। तो इसलिए हमें यहाँ पे 3 और 4 फार्मूलाज जो प्राइमरी बहुत इंपॉर्टेंट के काम करते हैं वो ये है। नंबर 1 हम देखते हैं ब्रेक इवन सेल, ब्रेक इवन सेल की कैलकुलेशन होती है जहां पे एक अकाउंटेंट या हमारी फर्म को पता लगता है कि अगर हमें लॉस को एलिमिनेट करना है, अगर हमें ओनली ब्रेक इवन पे ही काम करना हो तो हमें कितनी सेल करनी पड़ेगी। तो पहला आंसर हमारा था 5 लाख, और सेकेंड केस में अगर मुझे रिक्वायर्ड प्रॉफिट भी चाहिए तो वहां पे मुझे 10 लाख रुपीज की सेल चाहिए। अगर ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे अपने पीवी रेशियो को इंक्रीज कर दे, फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं अगर मान लो कंपनी ने अपनी डेवलपमेंट की और उन्होंने 60% से उसको 90% तक इंक्रीज कर दिया पीवी रेशियो, और पीवी रेशियो को अगर हम इंक्रीज करना चाहते हैं तो हमें सेल को इंक्रीज करना होगा और वेरिएबल कॉस्ट को हमें डिक्लाइन करना होगा। वी हैव टू कंट्रोल द वेरिएबल कॉस्ट। When we are talking about variable cost, we are talking about cost of goods sold. हम cost of goods sold की बात करते हैं जिसमें material भी आता है, labor भी आता है और variable overhead भी आते हैं, तो इनको हमें control करना होगा, then we can attain more PV ratio. तो company अपनी PV ratio को बढ़ा सकती है। अगर यहाँ पे हम 60 से 90 कर लेते हैं तो हमें required sale हमारी कम हो जाएंगी। Yeah, we have to put
लेस प्रेशर, तो हमारा जो प्रेशर है कम हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन को सेल करने का। अगर यहाँ पे हमारी पीवी रेशियो 90 होती है तो हमारा आंसर यहाँ पे कम होगा। इट मींस मोर पीवी रेशियो लेस रिक्वायर्ड सेल, लेस पीवी रेशियो मोर रिक्वायर्ड सेल। जितना डिनोमिनेटर कम होगा हमारा आंसर ज्यादा होगा, इट मींस हमें सेल ज्यादा प्रमोट करनी होगी। अगर हमारा पीवी रेशियो का आंसर अधिक होगा, अगर हमारी अटेनमेंट पीवी रेशियो में ज्यादा है, डिनोमिनेटर इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ हमारा आंसर लेस रिक्वायर्ड होगा। तो ये हमें यहाँ पे अभी हमारा आंसर आ रहा है 10 लाख। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट आता है मार्जिनल कॉस्टिंग में टॉपिक होता है जिसको कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन में होता है हाउ यू आर इंक्रीजिंग मोर प्रॉफिटेबिलिटी। जितनी प्रॉफिटेबिलिटी हमारी ज्यादा होती है दैट इज नोन एज मार्जिन। जितना मार्जिन होगा उतना सेफ्टी में जा रहे हैं, उतनी प्रॉफिटेबिलिटी में जा रहे हैं। इसका मतलब है प्रॉफिटेबिलिटी को रिकॉर्ड करना इन रुपीज, ट्रू प्रॉफिटेबिलिटी एज कंपेयर्ड विद ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट के साथ अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को जितना हम एक्सीड करते हैं, जितना हम बढ़ते हैं, तो उतना हम कहते हैं कि कंपनी इज सेफ। सेफ का मतलब उन्होंने ज्यादा मार्जिन कमाया एंड दैट मार्जिन कैन बी री इन्वेस्टेड इन द कंपनीज डेवलपमेंट। उसको हम ज्यादा डेवलपमेंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं और कंपनी को और प्रमोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम करते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जिसका बड़ा सिंपल फार्मूला होता है नॉर्मल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल। ब्रेक इवन सेल को हमने पहले भी कहा था जहां पे नो प्रॉफिट नो लॉस है, जहां पे हमने कोई भी लॉस इनकर नहीं किया, कोई भी हमने प्रॉफिट अर्न नहीं किया, उसको हम कहते हैं ब्रेक इवन सेल। जब नॉर्मल सेल हमारी बढ़ती हैं एज कंपेयर टू ब्रेक इवन सेल, तो हमें आंसर मिलता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, यानी कंपनी कितनी सेफ है जब उन्होंने प्रॉफिट की सेल को इंक्रीज किया होगा एज कंपेयर टू ब्रेक इवन सेल। यानी ब्रेक इवन सेल में हमारा कोई प्रॉफिट नहीं है और नॉर्मल सेल हमने जब प्रॉफिट वाली सेल को बढ़ाया, जहां पे प्रॉफिट मिलता है उनको अगर हमने एक्सीड कर लिया, दैट विल बी नोन एज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये हमारा रुपीज में आंसर होगा। सेकेंड, इसका एक फॉर्मूला ये भी हो सकता है प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। अगर प्रॉफिट को हम पीवी रेशियो से डिवाइड कर लें तो हमारा आंसर बन जाता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब इस केस में जैसे हमारा प्रॉफिट का आंसर निकला था 3 लाख, वही है कैलकुलेटेड 3 लाख। अब हमने किया 3 लाख डिवाइडेड बाय 60 into 100, अगर हम करें तो हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी का आंसर बनेगा 5 लाख रुपीज। और अगर हम पहले फार्मूले के हिसाब से चलें तो हमारी नॉर्मल सेल कितनी है 10 लाख और हमारी ब्रेक इवन सेल हमने कितनी कैलकुलेट की 5 लाख, वो भी आंसर हमारा सेम ही होगा। तो 10 लाख माइनस 5 लाख इज इक्वल टू 5 लाख इन द फर्स्ट फार्मूला। अगर हम सेकंड लेते हैं तो हमारा प्रॉफिट कितना था 3 लाख डिवाइडेड बाय 60 into 100, अगेन दैट विल बी इक्वल आंसर 5 लाख। तो हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी में 2 अपने एग्जांपल ले सकते हैं, चाहे तो हम पहली ऑप्शन यूज करें सेल माइनस ब्रेक इवन सेल, आंसर विल बी सेम। और अगर सेकंड करते हैं प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो, दैट आंसर विल बी अगेन 5 लाख। तो मैंने अपनी ये इलस्ट्रेशन बनाई है, इसमें यूजेज ऑफ पीवी रेशियो भी है और पीवी रेशियो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इसके मैं मोर एग्जांपल अपनी इलस्ट्रेशन लूंगा 4th वीडियो में। तो यहाँ पे हमने 3rd वीडियो में थोड़ी मार्जिनल कॉस्टिंग के बारे में अपने पीवी रेशियो का डिस्कशन किया, इसके यूजेस क्या है, ब्रेक इवन सेल को डायरेक्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है और कैसे हम रिक्वायर्ड सेल को कैलकुलेट करते हैं अगर फर्म का रिक्वायर्ड प्रॉफिट गिवन है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है कंपनी ने कितने रेवेन्यू ज्यादा अर्न किए, मार्जिन कितना प्रॉफिट ज्यादा अर्न किया एज कंपेयर टू ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट में हमारी कोई अर्निंग नहीं है, हमने ब्रेक इवन से कितना एक्सीड किया, कितने मार्जिन प्रॉफिट को ज्यादा अर्न किया, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर द फर्म। तो यहाँ पे हमें सेल माइनस ब्रेक इवन लेना है या हम ले सकते हैं प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। तो पीवी रेशियो यानी प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो दैट हेल्प्स द अकाउंटेंसी यानी कॉस्ट अकाउंटिंग टू कैलकुलेट वेरियस इंपॉर्टेंट आंसर। अगर किसी फर्म को चाहिए कि मुझे मार्जिन ऑफ सेफ्टी डायरेक्टली कैलकुलेट करना है तो हमारे पास पीवी रेशियो कैलकुलेटेड है,
तो हमने प्रॉफिट से उसको डिवाइड कर देना, जो आंसर हमें मिलेगा दैट विल बी इन रुपीस, उसको हम कहेंगे इतना मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, कंपनी इतने मार्जिन पे काम कर रही है। हायर द मार्जिन ऑफ सेफ्टी बेटर इज द फर्म, उतनी फर्म ज्यादा सिक्योर होगी, उतनी बेटर होगी, जितना मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज्यादा होगा। और लेसर द ब्रेक इवन पॉइंट, एक मैं इंपॉर्टेंट बात करूं, जितना ब्रेक इवन पॉइंट हमारा लेसर होगा बेटर विल बी फॉर्म, उतनी फॉर्म ज्यादा सिक्योर होगी जितना ब्रेक इवन पॉइंट कम होगा, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट हमारा जल्दी कवर होगा और उसके बाद हम प्रॉफिट अर्न करना इमीडिएटली वी कैन अर्न द प्रॉफिट। तो इसका मतलब लेसर द ब्रेक इवन पॉइंट बेटर इज द फॉर्म, हायर द मार्जिन ऑफ सेफ्टी बेटर इज द फॉर्म, हायर द पीवी रेशियो बेटर इज द फॉर्म। थैंक यू वेरी मच।